हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में। तो भाई आज हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले लास्ट क्लास का होमवर्क और उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ने वाले हैं। आज किसके बारे में? ग्राफ के बारे में। सर, ग्राफ तो हम बेसिक में तो पढ़ चुके हैं। जी हाँ, आपने वहां से पढ़ा था कि भाई हमारे पास ग्राफ किस किस तरह के होते हैं। स्ट्रेट लाइन, पेराबोला, हाइपरबोला मतलब कि सरल रेखा, परवलय, अति परवलय, वृत्त, दीर्घ वृत्त, ये सब हमने देखे थे। अब हम कह रहे हैं कि भैया हम उन ग्राफ का इस्तेमाल हम यहाँ कैसे करने वाले हैं, यहाँ ग्राफ में क्वेश्चन बनता कैसा, वो अलग अलग कहानी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत और लगने वाली है, लेकिन यकीन मानो भाइयों, अपन उसको बहुत जोरदार तरीके से पढ़ेंगे। मजा आएगा, मतलब शानदार मजा आएगा। ठीक है, तो भाई सबसे पहले भाई लास्ट क्लास का होमवर्क देखते हैं। सर, ये कुछ क्वेश्चन अपने पास था। जी हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, ये आपका होमवर्क। पढ़ते हैं, किसी मोटरसाइकिल का इंजन इसमें अधिकतम कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। ठीक सर, और जबकि ब्रेक अधिकतम कितना हमारे पास मंदन उत्पन्न कर सकता है। कितना भैया मेरे पास उसमें इतना अधिकतम त्वरण आ सकता है और इसमें अधिकतम इतना मंदन आ सकता है। तो बोल रहा है कि न्यूनतम कितने समय में सर टाइम पूछा है, न्यूनतम कितने समय में ये मोटरसाइकिल इतना दूरी तय कर लेगा। अब भाई इस चीज के बारे में लास्ट क्लास में बहुत तमीज से बात किया था कि सर मेरे पास पूरी गति है। हाँ सर, शुरुआत होगा प्रारंभिक वेग 0 के साथ, फिर हम लेके आए सर कुछ त्वरण, है ना, त्वरण लेके आए, तो गाड़ी का रफ्तार बढ़ा कितना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। करते करते सर कुछ वेग अधिकतम मेरे पास आया होगा, उसके बाद अपन ने ब्रेक लगा दिया। जब हमने ब्रेक लगा दिया तो मेरे पास क्या है, अब इसका रफ्तार लगातार कम हो रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या बनेगा, मंदन। और अंत में मेरे पास इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ सर, लास्ट टाइम हमने इसको ऐसे देखा था, अल्फा और बीटा की तरह। जी हाँ सर, तो मैंने कहा था कि सर ऐसी सिचुएशन में हम एक क्या बोलते ना एवरेज टाइप का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे सर, अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। जरा देखना सर, अल्फा का मान कितना है 5 है, बीटा कितना है सर 10 है, डिवाइड में सर कितना 5 प्लस 10। जी हाँ, यहाँ पर रखा जाए तो 5 × 10 कितना 50 हो गया, ये कितना 15 हो गया, 5 से काटा कितना 10/3, तो कितना m/s2। ये तो आ गया त्वरण, ये तो आ गया त्वरण। अब इस त्वरण से चलते हुए किसी टाइम टी में जो आपको निकालना है, उस टाइम टी में आपने कितना 1.5 किलोमीटर का दूरी तय किया गया सवाल के हिसाब से। सर किलोमीटर को बदला मीटर में, सर हमने 1000 से गुणा कर दिया, गुणा करने पे कितना का मेरे दोस्त, यह आएगा 1500 मीटर आएगा। सर एकदम सही बात, 1500 मीटर मेरे पास आएगा सर, एकदम बढ़िया है। अब देख सर प्रारंभिक वेग सर कितना 0 था, अब देख सर प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, समय निकालना है, दूरी दिया हुआ है। सर ऐसा कौन सा समीकरण होगा जिसमें चारों बातें हों? सर मेरे हिसाब से होना चाहिए दूसरा समीकरण। सर देखो कैसे, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर चलेगा। हाँ जी, तो देखो दूरी कितना भैया 1500, सर प्रारंभिक वेग कितना 0 प्लस 1/2, त्वरण कितना है भैया 10/3 और टाइम टी का स्क्वायर। सर ठीक है, एक काम करते हैं सर, यहाँ पे 1 0 से 1 0 काट लेते हैं, चलेगा। सर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो 150 × 2 कितना 300 और 300 × 3 कितना 900, तो यहाँ से टी स्क्वायर का मान भाई कितना हो गया 900 हो गया, तो टी का वैल्यू कितना हो गया 30 सेकेंड्स। तो 30 सेकेंड में सारी कहानी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, तो ये वो शॉर्ट ट्रिक थी जो हमने लास्ट टाइम समझी थी और उसकी मदद से हमने इस क्वेश्चन को चंद लाइन में खत्म कर दिया। समझ रहे हो क्या? जी हाँ सर, बढ़िया से आराम से आया। अगला सवाल देख सर, ये भी क्या मेरे पास था, होमवर्क था। जी हाँ सर, देखो सेम टाइप का चीज है, सेम टाइप का। सर पढ़ेंगे, एक कार है विराम अवस्था से प्रारंभ हुआ है, ठीक सर, और कुछ टाइम दे रखा है। तो देखो प्रारंभिक वेग मेरे दोस्त कितना है 0 है, फिर मेरे पास कुछ त्वरण उसने बोला है ए, ठीक सर। अब वही वस्तु में सर क्या है मेरे पास, मंदन आ चुका है, मंदन ए आ गया है, मंदन आया है और आखिरी में आके वापस वस्तु विराम में आ चुका है, वापस क्या है विराम में आ चुका है समान मंदन के साथ। और इस पूरी कहानी में लगने वाला समय कितना टी है। जी हाँ सर, अब देख सर अल्फा हमारे पास ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। सबने देखा था कि पहले त्वरण हो फिर मंदन हो, ये क्या सबने लास्ट क्लास में देखे, तो ऐसे सिस्टम के लिए क्या मेरे पास आने वाला एवरेज एक्सेलेरेशन जो हम लेके चल रहे थे कितना अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा। जी हाँ सर, तो अल्फा का वैल्यू कितना है सर ए है,
बेटा कितना था वो भी ए है, तो ये ए प्लस ए आएगा। यहाँ पे रखा, सॉल्व करने पर आने वाला एवरेज एक्सेलेरेशन सर कितना आएगा, ऊपर ए स्क्वायर डिवाइड में कितना 2a, तो एक ए से एक ए को काटा कितना a बाय 2 मेरे पास निकल के आ गया। अरे हाँ सर ये तो बढ़िया है, ये तो बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है, जोरदार है सर। ठीक है अब देख सर मेरे पास एवरेज एक्सेलेरेशन है, ठीक सर प्रारंभिक वेग कितना है मेरे दोस्त, जीरो है सर चलेगा। टाइम कितना है सर, कैपिटल टी के बराबर है। अब देख लो देख लो देख लो सर, इनिशियल स्पीड है क्या, हाँ सर। एक्सेलेरेशन है क्या, यस सर। टाइम है क्या, यस सर। पूछा क्या है, सबसे पूछा औसत चाल। अच्छा सर औसत चाल सर कैसे निकालेंगे, सर ध्यान देना ध्यान देना सर, मेरे हिसाब से औसत चाल का जो सूत्र मेरे पास होता है वो क्या होता है सर, कुल दूरी बटा समय। सो ठीक है तो भैया पहले हमें निकालना पड़ेगा दूरी, दूरी निकालना पड़ेगा, दूरी मतलब s निकालना पड़ेगा। जी हाँ सर। अब देखो सर ऐसा कौन सा समीकरण है जिसमें प्रारंभिक वेग हो, समय हो, त्वरण हो और दूरी निकालना हो। सर 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 मेरे हिसाब से ये बनना चाहिए दूसरा समीकरण, एकदम से पकड़ा एकदम से ही पकड़ा है, ये होगा मेरे पास क्या दूसरा समीकरण। तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर सर। ठीक है तो भैया दूरी s तो निकालना है, प्रारंभिक वेग कितना जीरो है, 1/2, त्वरण का मान a बटा 2, समय कितना कैपिटल t का स्क्वायर। अब इस दूरी को डाल दो इसके अंदर तो मेरे पास आने वाली औसत चाल दूरी कितना 1/4, ये रहा a कैपिटल t का स्क्वायर, समय कितना कैपिटल t। एक काम करते सर यहाँ पे एक t से एक t को काट दिया, तो सॉल्व करने के बाद जो बचा हुआ है वो कितना a कैपिटल t बाय 4, ये होगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए डन सर, बढ़िया आराम से हो गया, नो टेंशन नो दिक्कत नो समस्या सर। चलेगा क्या, हाँ जी सर दौड़ेगा। ठीक सर अब सर ये कुछ क्वेश्चन आपने अलग से होमवर्क के लिए दिए थे, देख लो भैया ऐसे क्वेश्चन में लास्ट क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूं, तो बस उनका ही रिपीट टेलीकास्ट है। ठीक है क्या बोलता है, एक वस्तु एक समान त्वरण से प्रथम 5 सेकंड में 40 मीटर, फिर अगले 5 सेकंड में 65 मीटर चलता है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या होगा। सर ऐसे क्वेश्चन किए थे लास्ट टाइम, जी हाँ कण चल रहा है सरल रेखा में, प्रारंभिक वेग कितना यू मान लिया, त्वरण कितना अपन ने ए मान लिया, तो पहले 5 सेकंड में, ओहो तो पहले 5 सेकंड में कितना दूर चला भैया 40 मीटर के बराबर, फिर अगले 5 सेकंड में वही वस्तु से कितना 65 मीटर चला है, इसको बोल दो पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। ठीक सर हमने ऐसे सवाल देखा था, जी हाँ सर। प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, समय है, दूरी है, ऐसा कौन सा समीकरण जिसमें u भी हो, a भी हो, s भी हो, t भी हो। सर मेरे हिसाब से बनता है सेकंड इक्वेशन, तो उसके आधार पर सबसे पहले आपने ये लगाई समीकरण a से b के लिए, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक सर यहाँ पे सारे वैल्यूज को 1/1 रख के देखते सर, s कितना है सर 40 मीटर, u नहीं पता, टाइम कितना 5, तो 5 × u बन गया प्लस 1/2 एक्सेलेरेशन a टाइम t, 5 का स्क्वायर 25, इक्वेशन नंबर 1। ठीक सर ऐसे मेरे पास वही इक्वेशन a से लेकर पूरे c के लिए, अगर बात की जाए पूरे चीज c के लिए, तो 40 प्लस 65 ये मेरे पास आएगा कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना 105, या चाहो तो थोड़ा लिखता हूँ थोड़ा तमीज से कितना चीज को, ये 40 प्लस 65। सर टाइम कितना, टाइम मेरे पास आएगा सर 5 + 5 = 10 सेकंड। सर ठीक है तो लगाया हमने, प्रारंभिक वेग नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, 1/2 × a, a का कर लो टाइम 10 का स्क्वायर 100 आएगा। ठीक सर सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना 105, ये कितना 10 u, ये कितना 100 a/2, इक्वेशन नंबर 2। अब जरा देख सर मुझे क्या निकालना है, सर मुझे प्रारंभिक वेग u निकालना है, मतलब a नहीं चाहिए, हाँ सर। अब अगर a नहीं चाहिए तो आपको इस टर्म को गायब करना पड़ेगा। सर कैसे करता हूँ, हम करते हैं एक काम करते हैं सर, इस पूरी समीकरण को 4 से गुणा करते हैं। सर उससे क्या होगा, 4 से गुणा करने से 25 × 4 कितना 100 हो जाएगा, तो 100 a/2 c में टर्म हो जाएगी। सर बात तो करेक्ट है, बात तो एकदम करेक्ट है, तो क्या बोलते हैं इक्वेशन 1 × 4। ठीक है तो 4 × 4 कितना 16, 160, 4 × 5 = 20, 20 u, ये कितना हो गया 100 a/2, इनको सर घटा देते हैं, माइनस 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 सर 105 माइनस 160 कितना माइनस का 55 ही आएगा, ये कितना माइनस का 10 u आएगा सर, वो तो कितना 0 हो गया, माइनस से माइनस हटा दिया सर, आने वाले u का वैल्यू कितना 55/10
कट किया भैया 5.5 मेरे पास आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास आंसर। बढ़िया, हाँ सर आराम से हो गया, नो टेंशन, ये मेरे पास नंबर एक का आंसर, नंबर एक का आंसर। ठीक सर, बात करें सर नंबर दो के लिए, देखो भाई देखो 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 नंबर दो की बात करते हैं सर। ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम किया था, जरा पढ़ो क्या बोलता है कि सर क्वेश्चन के हिसाब से किसी विशिष्ट क्षण पर दो समान प्रकार की कार, दो एक जैसी गाड़ियां हैं ठीक है, जिनका वेग u और 4u है, एक का वेग u एक का वेग 4u, अब दोनों कार को विराम, ध्यान से पढ़ना, दोनों कारों के द्वारा विराम में आने से पूर्व चली गई दूरियां, कि सर दो गाड़ियां चल रही थी है ना, एक का वेग u है एक का वेग 4u है, अब से इनमें आपने ब्रेक लगाया होगा तो चलते 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 से कहीं पर रुका होगा, इनका अंतिम वेग कितना, जीरो आया होगा। तो ये बोल रहा है कि रुकने से पहले इन्होंने जो दूरियां चली है x1 और x2 उनका अनुपात बताओ। अब सर क्योंकि गाड़ियां एक जैसी, क्योंकि गाड़ियां एक जैसी हैं तो भाई दोनों में आने वाला मंदन एक जैसा रहेगा, हाँ सर बात तो करेक्ट। अब सर एक किसी भी एक केस को पकड़ ले सर, ऐसा समीकरण जिसमें प्रारंभिक वेग हो, त्वरण हो, दूरी हो, अंतिम वेग हो, सर कौन सा हो सकता है, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और दूरी, सर तीसरा इक्वेशन कौन सा आएगा, तीसरा इक्वेशन मेरे पास आएगा, तो देखो भैया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो बात करें भैया पहले के लिए, पहले भैया ए की बात करता हूं, तो देखो अंतिम वेग कितना, जीरो, प्रारंभिक कितना, यू का स्क्वायर, गाड़ी में है मंदन तो माइनस, त्वरण कितना अपने पास ए माना है, और दूरी कितना भैया अपन ने एक्स वन मान लिया। सिंप्लीफाई करने पर यहां से मेरे पास कितना 2a x1 equal to u का स्क्वायर। सेम तरीके से बात की जाए b के लिए, अंतिम वेग कितना जीरो, प्रारंभिक वेग कितना 4u का स्क्वायर तो 16u स्क्वायर, माइनस क्योंकि मंदन है, त्वरण कितना समान क्योंकि गाड़ियां एक जैसी हैं, और दूरी कितना x2। सॉल्व करने पर यहां से 2a x2 कितना आएगा 16u का स्क्वायर। सर एक काम करते हैं दोनों का आपस में दे दो भाग, भाग दिया सर, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि 2a से 2a कट जाएगा और जो उसने पूछा है दूरियां x1 और x2 का अनुपात वो मिल जाएगा, u स्क्वायर से u स्क्वायर काटा कितना 1 बटा 16, ये आपका आंसर, तो 1 बटा 16 ऑप्शन नंबर डी ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, आसान सवाल था, चीजें लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं, बस उन्हीं का दोबारा प्रैक्टिस था। ठीक, याद रखेंगे सर, एक कार है विराम से त्वरित होकर, यहां से पढ़ना, एक गाड़ी है विराम से त्वरित होकर 20 सेकंड में इतना कुछ वेग प्राप्त कर लेती है, तो कितनी दूरी तय करेगा। सर देखो प्रारंभिक वेग कितना, जीरो बोल रखा है, त्वरण ए का मान सर कितना 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। सर क्या हमें इसको बदलना आता है, सॉरी बदल कर दिया मैंने, ओहो त्वरण नहीं था ये, एक गाड़ी प्रारंभिक वेग जीरो से शुरू हुई है और उसका अंतिम वेग दे रखा कितना 144 किलोमीटर प्रति घंटा। सर इसको बदले तो देखो एक किलोमीटर में कितना भैया 1000 मीटर मेरे पास होता है और एक घंटे में कितना 3600 सेकंड मेरे पास होता है, तो ये किस में आ गया मीटर पर सेकंड में। सर थोड़ी काटापिटी करें, करते हैं, देखो मेरे पास यहाँ पे दो जीरो से दो जीरो काट दिया, सर ठीक है, अब 36 से अगर मैं इसको काटूं तो वह कितना आएगा, मेरे पास आना चाहिए 4 के आसपास, ठीक है 4 आ गया, तो 4 इंटू 10 कितना आ गया भाई 40, तो मेरे पास आने वाला अंतिम वेग कितना 40 मीटर पर सेकंड। अब वो बोल रहा है कि हमारे पास ये हुआ कितने टाइम में, तो ये सारा कार्यक्रम हुआ है 20 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर। अब अगर समझो सर, ध्यान से देखो, प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है, समय है, वो आपसे सर पूछ रहा है दूरी। सर ऐसा कौन सा समीकरण सर जिसमें ये चारों आएंगे, सर चारों तो आ जाएंगे लेकिन सर हमारे पास त्वरण का मान नहीं है, फिर क्या करूं, पहले त्वरण निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात निकालना पड़ेगा, तो एक तरीका तो वो है मेथड नंबर एक कि सर सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे ए का मान, ओहो कहां चला गया, रुको एक मिनट बच्चों, मेरे कहना स्क्रीन थोड़ी गंदी हुई, थोड़ा साफ कर लेता हूं इसको, है ना। देखो मेथड नंबर एक में क्या होगा, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, ए निकालोगे सर, कैसे, v बराबर यू प्लस ए टी, जी हाँ सर, अंतिम वेग कितना 40, प्रारंभिक कितना 0, त्वरण ए का मान नहीं पता, समय कितना 20, तो वह कितना गया पास, यह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब a मिल चुका है, अब a पता है तो आप समीकरण निकाल के दूरी निकाल सकते हो, जैसे कि तीसरा इक्वेशन वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, जी हाँ, तो भैया अंतिम में कितना v, 40 का स्क्वायर कितना 1600,
92 कितना 0, सर त्रण का मान कितना 2 और दूरी s आपको निकालना है। तो देखो सर s का वैल्यू कितना हो गया 1600 बटे 2 इंटू 2 कितना 4, कट के कितना 400 मीटर मेरे पास आ गया। एक तरीका तो ये है सर। तरीका नंबर दो, तरीका नंबर दो, मैंने कहा था कि अगर मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और आपको प्रारंभिक और अंतिम वेग पता है तो उस अवस्था में आप औसत वेग निकाल सकते हो, प्रारंभिक प्लस अंतिम बटे दो। ठीक है, प्रारंभिक कितना भैया 0 है, अंतिम कितना 40 है, बटे दो से कितना आएगा 20 मीटर पर सेकंड। हाँ सर, आप सिंपल सा पता है स्पीड है ना, चाल बराबर दूरी बटा समय। सर चाल कितना है सर 20, दूरी कितना है सर निकालना है, समय कितना है सर 20 सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले 20 इंटू 20 कितना होगा 400 मीटर। अरे हाँ सर, ये तो काफी आसान निकला। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। सर ठीक है, अगला पढ़ेंगे। सर ऐसा क्वेश्चन भी हमने लास्ट टाइम देखा था, ध्यान से पढ़ेंगे क्या बोलते हैं। दो ट्रेन है, एक ही रेल मार्ग पर एक दूसरे की ओर 40 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील है। ठीक सर, दो अलग अलग ट्रेन है उनकी बात कर रहे हैं। तो देखो भैया दो ट्रेन, उनकी रफ्तार इतनी है, एक दूसरे के विपरीत है, और अब बोल रहा है कि दोनों ट्रेन के ड्राइवर एक साथ ब्रेक लगाते हैं जबकि ट्रेनें एक दूसरे से 2 किलोमीटर दूर है। भैया दो गाड़ियां हैं फिलहाल, वो एक दूसरे से 1 किलोमीटर दूर है, तब उन्होंने ब्रेक लगा दिया। सर कैसे, देखो ये रहा, ये रही हमारे पास गाड़ी, ओहो छोटी हो जा गाड़ी, चलो ये रही मेरे पास एक ट्रेन। ठीक सर, और दूसरी ट्रेन भी मेरे पास, क्या पर ट्रेन होनी चाहिए ना इसमें, ओहो रुको रुको भैया ट्रेन कहाँ गई हमारी, इसमें होनी चाहिए क्या, ये रही ये रहा, ये रहा मेरे पास ट्रेन, दो ट्रेन है। ठीक है, ये रही, अभी बोल रहे भैया दो ट्रेनें हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक सर, दोनों का प्रारंभिक वेग उसने दिया हुआ कितना u और u, u का मान, ओहो एक तो उसका पेज अलग करना पड़ेगा, ये लो। ठीक है, यहां पर u का मान कितना भैया अपने पास है, u रखा 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब दोनों ने एक साथ ब्रेकर लगा दिया, कब, जब ये दोनों एक दूसरे से कितना 2 किलोमीटर बोले तो 2000 मीटर दूर थी। ठीक है, जब दोनों एक दूसरे से 2000 मीटर की दूरी पर थी। ठीक सर, अब बोल रहा है यदि अवमंदन नियत है, बोले तो दोनों में उत्पन्न होने वाला अवमंदन, मैंने कहा था अवमंदन मतलब ऐसा त्वरण जो वेग के प्रारंभिक वेग के विपरीत है। जी हाँ सर, देख लो यहां पर दोनों विपरीत, यहां पर भी दोनों विपरीत, सर बात तो एकदम करेक्ट है, अवमंदन है। और इस ए का मान क्या बोला सर, नियत बोला है। ठीक सर, अब वो बोल रहा है यदि अवमंदन नियत हो और समान हो तो इसका मान कितना होगा जिससे कि ट्रेनें टक्कर ना करें, ट्रेनें टक्कर ना करें। अब देखो थोड़ा लॉजिक लगाओ सर, दोनों ट्रेन एक जैसी है, हाँ सर दोनों ट्रेन एक जैसी है, दोनों का प्रारंभिक वेग भी समान है, दोनों का मंदन भी समान, तो भाई जब ये रुकेंगी मेरे हिसाब से सबसे सेफ कंडीशन, सबसे आखिरी कंडीशन क्या होगा कि सर बिल्कुल यहां बीचों बीच आके रुक जाए, बस रुक जाए, टच कर लें, भिड़े ना, कम से इतना तो होना ही चाहिए क्योंकि अगर उससे ज्यादा कुछ हुआ तो फिर टकरा जाएंगे। सर बात तो करेक्ट है, तो कोई भी एक ट्रेन रुकने से पहले सर कितना चलेगी, सर 1000 मीटर चलने वाली। सर बात तो करेक्ट है, कोई भी एक ट्रेन रुकने से पहले सर कितना 1000 मीटर चलेगी। तो देख भाई किसी भी एक ट्रेन की बात करता हूँ सर, प्रारंभिक वेग, मंदन, दूरी, हाँ सर कौन सा समीकरण लगाना चाहिए, सर मेरे हिसाब से हमें लगाना चाहिए तो तीसरा इक्वेशन, कैसे देख वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देख हमने बोला है कि सर भैया वस्तु को आखिरी में रोकना है, जी हाँ सर, तो अंतिम वेग कितना आएगा 0 आएगा, तो अंतिम वेग 0 का स्क्वायर 0, u कितना भैया 40, 40 का स्क्वायर 1600, अब क्योंकि मंदन है तो माइनस, a का मान नहीं पता, दूरी कितना 1000 मीटर मेरे पास बनेगा, तो यहां से a इंटू 2000 बराबर कितना 1600, सिंप्लीफाई किया तो यहां से कितना मेरे पास आएगा 16/20 है ना, ये है ना कुछ ऐसा वाला है, जी हाँ 16/20, 4 से काटा 4/5 कितना हो गया 0.8, तो 0.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बनेगा आपका मंदन का मान ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ सर, एकदम आराम से, एकदम प्यार से, एकदम ढंग से ये हो जाएगा, डन है क्या, हाँ जी। बात कर सर अगला क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2008 का सवाल, अब देखो सर आराम से करते हैं, बहुत आराम से होंगे। देखो सर एक कण है अचर त्वरण के साथ एक सीधी रेखा पर चल रहा है, सर चलने दो, अचर मतलब जो बदल नहीं रहा है, ठीक है अचर मतलब जो बदले नहीं,
गति पथ में एक स्थान पर टी सेकंड में 135 मीटर की दूरी चलता है। ठीक सर, तो वो बोला कि सर अगर प्रारंभिक वेग कितना 10 था, अंतिम वेग 20 हुआ और इस पूरे कार्यक्रम में सर कितना 135 मीटर चला है, तो उस समय टी का मान पूछ रहा है। सर ठीक है सर, हमें पता है कि सर अगर मेरे पास एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो इस पूरे रास्ते के लिए आप क्या औसत चाल निकाल सकते हो। देखो मेरे पास आने वाला औसत चाल कितना है सर, प्रारंभिक प्लस अंतिम बटा दो, प्रारंभिक कितना 10, अंतिम कितना 20 बटा कितना 2, कितना भैया 15 मीटर पर सेकेंड। सर ठीक है, तो भैया मैं क्या बात कर रहा हूँ सर, वी एवरेज बराबर दूरी बटा समय। सर औसत चाल कितना आया 15 आया, दूरी कितना दे रखा 135 मीटर, टाइम टी अपने को निकालना है। सर टी कितना आएगा 135 डिवाइडेड बाय 15, हमने इसको काटा कितना 9 सेकंड निकल गया। सर डन, एकदम बढ़िया, ऑप्शन डी बहुत प्यार से आ गया। सर ठीक है, अगला देखो क्या बोल रहा है, एक कण है विराम अवस्था से प्रारंभ हुआ है जिसमें त्वरण दे रखा कितना 4/3 मीटर पर सेकेंड। सवाल पढ़ रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब विराम अवस्था से तीसरे सेकंड में, ध्यान से पढ़ना, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी सर कैसे निकालो। सर तो nवें सेकंड की बात कर रहा है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है Sn बराबर u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1। अच्छा तो भाई तीसरे सेकंड प्रारंभिक वेग 0, त्वरण का मान सर कितना मेरे पास a का मान सर 4/3, अब यहां पे n कितना 3 माइनस का 1, सिंप्लीफाई करते हैं तो भैया ऊपर 4 नीचे कितना 6, 2 × 3 = 6 माइनस 1 कितना 5 हो गया, काटा पिटी किया 5/4 20/6। सर कितना पास आया 20/6, थोड़ा काटेंगे कितना 10/3, तो 10/3 ऑप्शन बस सी मेरे पास आंसर बन जाएगा। सब बढ़िया आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये तो थे भैया अपने लास्ट क्लास के होमवर्क, मेरे पास लास्ट क्लास का होमवर्क। भैया अब जो बात कर रहे हैं वो है आपका आज का मेन टॉपिक ग्राफ। सर सच बताऊं तो इसकी आधी से ज्यादा बातें आपको पहले से पता है, बस अब उन चीजों को लिंक करना सीखना है कि भाई हाँ जो हमें पता है अब उनको सवालों में समझना कैसे, उनको देखना कैसे, वो समझना, ठीक है। सबसे पहले भाई ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक बातें, ठीक है, ग्राफ के बारे में कुछ बेसिक और सिंपल बातें। सबसे पहले कि भैया मेरे पास ग्राफ कब बनेगा, जब दो राशियों में संबंध होगा, ऐसे। हाँ सर, कोई भी संबंध हो सकता है, सरल रेखीय हो सकता है जिसमें क्या होता है सर दोनों का घात होता है एक, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, सरल रेखा, या किसी एक की पावर 2। जी हाँ सर, हमने पढ़ रखा है ये क्या बनता है सर, ये तो बनता है सरल रेखीय समीकरण, सरल रेखा वाला समीकरण था। ये क्या आया था सर मेरे पास, ये जो दो लिखे में से क्या थे, ये मेरे पास था पैराबोला, बोले तो परवलय के लिए समीकरण थे। जी हाँ सर, जब मेरे पास दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए, एक ऊपर एक नीचे, तो हमने इसको क्या बोला था, अति परवलय, हमने इसको क्या बोला था, अति परवलय। हाँ सर, मोटी मोटी बात भैया हमने कुछ ऐसे ही की थी। अब मैं कह रहा हूं कि भाई ठीक है ये सब तो सीख लिया, पर अब ग्राफ में सर सवाल कैसे बन सकते। सर ग्राफ में आपसे सवाल पूछेगा तीन तरीके से, ठीक है, ग्राफ में भैया सवाल बनेंगे तीन तरीके, तो भैया सुनना ध्यान से। प्रॉब्लम नंबर एक क्या बोल रहा हूं, जो ग्राफ में है, वही पूछा गया है सर मतलब समझा नहीं, समझने की बात ही नहीं। देखो समझो, मान लो अगर आपसे ग्राफ दिया xt का या vt का या at का, बात समझना, ग्राफ अगर xt का है, ग्राफ अगर vt का है, ग्राफ अगर at का है, बात समझो। अगर बात करें मान लो xt ग्राफ का, ठीक है, xt ग्राफ का, अगर मैं कह रहा हूं सर xt ग्राफ से क्या क्या पूछ सकता है, सर xt ग्राफ से वो पूछ सकता है कि वस्तु की स्थिति का है, बोले तो पोजिशन का है, समझो भाई वस्तु की स्थिति कहाँ है, पोजिशन क्या है, या फिर बोल सकता है आपसे दूरी पूछ सकता है। जी हाँ सर, या आपसे विस्थापन पूछ सकता है। हाँ सर, तो इनके लिए हमें कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जो चाहिए वो डायरेक्ट इससे मिल जाएगा। लेकिन अगर बात करें भैया वीटी ग्राफ, तो वीटी ग्राफ से अगर चीजें निकालने को बोले, वीटी ग्राफ से अगर कुछ चीजें निकालने को बोले सर, जैसे कि वीटी में जो ग्राफ डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ सर क्या है, सर ग्राफ किसका, वेग का, तो वेग ही बताओगे, तो वेग के ग्राफ से वेग सीधा बता पाओगे,
एकदम सही बात। और ऐसे ही एटी ग्राफ से सीधा सीधा तुरंत कि भैया जो ग्राफ है, जो ग्राफ दिया हुआ है एक्स का, तो एक्स से जुड़ी हुई बातें, वेग दे रखा है तो वेग ही पूछेगा, ए दिया हुआ है तो ए पूछेगा। हाँ सर, ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन। सर दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा मेरे पास बन सकता है, देखो दिखाते हैं, ओहो दूसरा मेरे पास बन सकता है प्रॉब्लम नंबर टू। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम नंबर टू। इसमें क्या है सर? इसमें आपसे ग्राफ से ऐसी टर्म पूछेगा जो क्या बनेगा भाई? स्लोप। स्लोप बोले तो सर हिंदी में इसको बोलते हैं ढाल। क्या बनता है सर? ढाल 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 ढाल, ओहो ढाल बोलते हैं, जिसको हम पढ़ते हैं क्या? टेन थीटा, जिसको आप क्या बोलते हैं सर? डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा सर, मतलब हमारे पास जो गिवन ग्राफ है, उसका ढाल कुछ ना कुछ तो होगा जिससे आपका काम पड़ेगा। फॉर सिंपल एग्जाम्पल अगर बात की जाए कि मान लो मेरे पास ग्राफ किसका है? एक्स और टी का। सर ठीक है, एक्स और टी का ग्राफ है, तो सर जैसे वाई और एक्स के ग्राफ के लिए डी वाई बाई डी एक्स लिखते, ध्यान सुनना, वाई एक्स ग्राफ के लिए डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, तो भाई सेम तरीके से एक्स और टी ग्राफ के लिए क्या बनोगे? डी एक्स बाई डी टी। तो इस ग्राफ का मेरे पास जो स्लोप बनेगा, क्या बनेगा सर? डी एक्स बटा डी टी। तो भैया डी एक्स बटा डी टी सर नाम सुना हुआ है क्या? हाँ सर, हम इसको वेग वी बोलते हैं। अच्छा, तो भैया एक्स टी ग्राफ के स्लोप से क्या निकाल सकते हो सर? वेग निकाल सकता हूँ। एक्स टी ग्राफ के स्लोप से वेग निकाल सकता हूँ सर। सेम तरीके से, एकदम सेम टू सेम तरीके से मेरे पास ग्राफ वी टी भी हो सकता है। हाँ जी सर, तो देखो भैया मेरे पास ये रहा वी और टी का ग्राफ। तो भैया इसमें भी अगर मैं बात करूं सर किसके लिए? स्लोप के बारे में। देखो स्लोप क्या बनता है? अगर y और x का ग्राफ था तो dy वाई बाई डी एक्स था, अब किसका ग्राफ है? v और t का, तो dv वी बाय डी टी बन जाएगा सर। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बन गया? dv वी बाय डी टी। सही, क्या सुना हुआ लगता है? हाँ सही है, सुना हुआ है। हम इसको a बोलते हैं, बोले तो त्वरण बोलते हैं। एकदम सही बात पकड़ी। ठीक, ऐसे ही सर at में भी होता है क्या? हाँ, at में टर्म होता है, लेकिन अपने सिलेबस में वो बात नहीं है। फिर लिख देता हूं, अपने सिलेबस में वो बात नहीं है a और टी। तो भैया इसमें भी मेरे पास जो स्लोप आ सकता है, वो क्या बनेगा? वाई एक्स ग्राफ का स्लोप डी वाई बटा डी एक्स, तो ए टी ग्राफ का स्लोप डी ए बटा डी टी। अब इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में जर्क। जर्क बोले तो झटका। जर्क बोलते हैं, ठीक है, झटका। ओहो झटका, ठीक है, ये होता है। पर हाँ, ये मेरे इतना काम का नहीं, मेरे पास जो लास्ट वाला बनाया सर, ये इतना काम का नहीं। ठीक सर, या फिर जो इसमें प्रॉब्लम नंबर तीन बन सकता है उसकी बात करता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर तीन की बात करते हैं। सुनेंगे सर, प्रॉब्लम नंबर तीन जो काम ली जा सकती है, प्रॉब्लम नंबर तीन सर वो हो सकता है हमारे पास एरिया, बोले तो क्षेत्रफल। अच्छा, और याद करो एरिया हमने बेसिक में तो पढ़ा था सर, वो हम दिखाते हैं इंटीग्रेशन से। हाँ सर, याद आया, हम दिखाते हैं भैया एरिया किससे? इंटीग्रेशन से। तो वही बातें रिपीट करता हूं। देखो सर, अगर मेरे पास क्या है भाई, ग्राफ कितना एक्स टी है, तो एक्स टी का जो मेरे पास एरिया बनता है, एरिया क्या बनेगा? ओहो देखो, इसका जो बनेगा एरिया क्या बनेगा? इंटीग्रेशन एक्स डी टी। परंतु सर हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा तो भी अपने काम का नहीं है, हटाओ भैया, नहीं पढ़ा तो भी अपने काम का नहीं है सर। उसके अलावा क्या बन सकता है? मान लिया पास ग्राफ कौन सा सर? वी टी ग्राफ है, तो वी टी ग्राफ का जो एरिया है क्या बनेगा? इंटीग्रेशन वी डी टी। हाँ सर, आप थोड़ा याद करोगे सर, वी क्या होता है सर? वी होता है डी एक्स बटा डी टी। अगर इसको करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बनता था डी एक्स इक्वल टू वी डी टी। सर वी डी टी का वैल्यू सर कितना? डी एक्स है। डी एक्स क्या होता है सर? तो विस्थापन होता है, डी एक्स होता है विस्थापन। तो वी टी ग्राफ का जो एरिया है वी डी टी इंटीग्रेशन क्या बनेगा सर? ये बनेगा मेरे पास विस्थापन, बोले तो डिस्प्लेसमेंट। ओके सर, सेम तरीके से मेरे पास एटी ग्राफ की अगर बात की जाए, तो उसका आने वाला एरिया इंटीग्रेशन ए डी टी क्या बनेगा? यह बनेगा चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी वेक्टर। तो तीन टाइप की चीजें आपसे पूछी जा सकती है, या तीन टाइप की भैया। एक तो वो देखो, बात करो सर एक्सटी की, सर एक्सटी
जो दिया हुआ है एक्स उसी के बारे में पूछ ले, उसकी पोजीशन पूछ ले, उससे जुड़ा हुआ दूरी पूछ ले, उससे जुड़ा हुआ विस्थापन पूछ ले, और वही एक्स टी ग्राफ से आप क्या निकाल सकते हो सर, स्लोप निकाल सकते हैं जो बनता है वेग, जो बनता है वेग। सर सेम तरीके से वी टी ग्राफ अगर डायरेक्ट है तो भैया डायरेक्ट आप इससे वेग निकाल सकते हो, या उस ग्राफ के स्लोप से त्वरण निकाल सकते हो, या उसी ग्राफ के एरिया से क्या मिल जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा तो भाई बात समझना पड़ेगा, बात समझना पड़ेगा, याद नहीं करना, याद नहीं करना, एकदम बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, बात पकड़, बात पकड़। सर हमने पढ़ी है कुछ सिंपल सिंपल बातें, सर जैसे कि हमने पढ़ा है v बराबर dx बटा dt, देख सिंपल सी बात दिमाग में सेट रख कि सर अवकलन का सीधा सिंपल मतलब होता है स्लोप, है ना, ढाल जिसको बोलते हैं सर, ठीक है। तो भैया इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वी टी ग्राफ, वी टी ग्राफ का, वी टी ग्राफ का ढाल। अच्छा वी टी ग्राफ का ढाल, ढाल ढाल ओहो एक्स को वी टी ग्राफ का ढाल, ठीक सर। सेम तरीके से अगर मैं बात करूँगा किसके लिए, ए के लिए, सर ए क्या बोलते हैं सर, ये बनता है डी वी बाय डी टी, सिंपल सी बात। तो भैया डी वी बाय डी टी से क्या बनेगा, ये बनेगा वी टी, ओहो गलत कर दिया मैंने यहाँ पे, ये एक्स टी आएगा, ये एक्स टी आएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, वी टी ग्राफ का ढाल। अब इसको समझना है, रटना मत, रटना मत कि सर एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वेग देगा, वी टी ग्राफ का ढाल क्या देगा, ए देगा। अच्छा एक्स टी का स्लोप वी देगा, वी टी का स्लोप ए देगा। अच्छा 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 समझ गया, समझ गया, समझ गया। अब अगर मैं इसी चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, देखना क्या डी एक्स इक्वल टू वी डी टी बनेगा, जिसको आप करोगे इंटीग्रेशन। हाँ सर, अब डी एक्स को सॉल्व करने पर ये बनेगा डेल्टा एक्स, ये बनेगा इंटीग्रेशन वी डी टी। अब याद करो क्या इंटीग्रेशन, बोले तो समाकलन, क्या हम इसको बोलते हैं एरिया, बोले तो क्षेत्रफल, जी हाँ सर। तो भैया मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा वी टी, जो समाकलन के अंदर है, वी टी ग्राफ का क्षेत्रफल, VT ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक सर। सेम तरीके से अगर मैं इस फॉर्मूला को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करता, क्या बनता, से बनता dv बराबर इंटीग्रेशन ए डी टी, जी हाँ सर। सॉल्व करने पे ये बनता डेल्टा v, ये बनता इंटीग्रेशन ए डी टी, जी हाँ सर। और फिर से भाई इंटीग्रेशन या बोले समाकलन, समाकलन का सीधा सिंपल मतलब ए टी ग्राफ का क्षेत्रफल, ए टी ग्राफ, ओहो ए टी ग्राफ का क्षेत्रफल, ठीक है चलेगा। हाँ जी सर, ए टी ग्राफ का क्षेत्रफल ये मेरे पास होगा सर, नॉर्मल सी बात, बढ़िया बात, ओके। सर डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, सर डेल्टा एक्स को यहां बोलेंगे हम विस्थापन, विस्थापन। और ये डेल्टा भी क्या बनेगा, सही बनेगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। और ये जो चीज आपको लिखवाई ना अभी, ये है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, क्या भैया मेरे लिए ये है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें, क्योंकि भैया ये चीजें याद रहेंगी तभी तो आगे मजा आएगा। तो भाई बात समझना कि भैया मेरे पास अगर है अवकलन वो बनेगा ढाल, अगर मेरे पास है समाकलन तो वो बनेगा मेरे पास क्या, एरिया, बोले तो क्षेत्रफल, जी हाँ सर चलेगा, ओके ओके ओके। अब सर इनसे जुड़ी कुछ छोटी मोटी प्यारी प्यारी खास खास बातें, सर क्या क्या खास बातें, देखो क्या बोल करता हूं सर, नोट वैसे तो सबको पता ही है फिर भी सुनते हैं, क्या बोलता हूं ध्यान सुनना कि सर अगर मेरे पास बात करें भैया स्लोप, जिसको हम बोलते हैं टेन थीटा, जिसको हम बोलते हैं ढाल, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त कि सर इसकी बात कर रहा हूं, अगर मेरे पास पहला कैसा, अगर मेरे पास लाइन सा कैसा ऐसा हॉरिजॉन्टल है, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास दिया गया स्ट्रेट लाइन, या बोले सिंपल बात करें सरल रेखा के लिए, यहां लिखता हूं, ओहो लिखता हूं सरल रेखा का ढाल हमेशा, सरल रेखा का ढाल हमेशा नियत रहता है, सरल रेखा का ढाल हमेशा नियत रहता है, ये सिंपल सी बात है सर, ठीक है।
ढाल हमेशा नियत रहता है सर। कैसे 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 आपको कैसे पता? देख ढाल का मतलब क्या होता है सर? टेन थीटा। थीटा क्या है? थीटा मेरे पास सरल रेखा का, थीटा मेरे पास सरल रेखा का क्षैतिज के साथ बनने वाला कोण है। तो सर सोच के मान ले मेरे पास ऐसे कोई सरल रेखा है सर, ठीक है। अब देख इस सरल रेखा का, इस सरल रेखा के किसी भी बिंदु की बात कर ले, जो तेरा मन करे, जो तेरा मन करे सर। एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, देखना तीनों पॉइंट पर क्षैतिज से बनने वाला कोण सर क्या है? सेम है थीटा। देख लो तीनों पॉइंट पर क्षैतिज से बनने वाला कोण कितना भैया? थीटा है सर। बात तो करेक्ट है, तीनों पॉइंट पर बनने वाला थीटा सेम है। तो भाई टेन थीटा सेम आएगा, टेन थीटा सेम आएगा तो मेरे पास ढाल सेम आएगा। ओ हो हो, तो भैया सरल रेखा के हर एक पॉइंट पर थीटा मिलेगा सेम। थीटा सेम है तो मेरे लाल टेन थीटा भी मेरे पास क्या है? सेम है। और टेन थीटा को ही तो हम ढाल कहते हैं। जी हाँ सर, ढाल बोले तो डी वाई बटा डी एक्स, ये क्या मिलेगा सर? सेम मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। डन 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 डन, बढ़िया बढ़िया है सर, शानदार है, चलेगा। अब सर छोटी मोटी बात है जो हमें पहले से पता है सर, कौन सी बात है कि सर अगर मेरे पास दिया गया लाइन सर कैसा ऐसा है, क्षैतिज है, क्षैतिज रेखा का कोण जो बनता है सर कितना? थीटा, जीरो आता है। तो उसके लिए टेन थीटा जिसको हम बोलते हैं ढाल, या बोले डी वाई बटा डी एक्स, कितना आता है अवकलन? जीरो आता है। वहीं अगर आपकी सर लाइन कैसी है सर? ऐसे ऊर्ध्वाधर है, तो भैया इसका, इस लाइन का क्षैतिज से बनने वाला कोण, देखो क्षैतिज से बनने वाला कोण सर कितना? 90 डिग्री है। हाँ सर, तो ऐसी कंडीशन मेरे पास क्या? थीटा हुआ 90 डिग्री। और जिसको हम बोलते हैं ढाल, टेन थीटा बोले तो डी वाई बटा डी एक्स सर, इसका मान कितना आएगा? अनंत आएगा सर, ठीक है। ऐसे ही अगर मेरे पास लाइन ऐसे नीचे से ऊपर हो, हाँ सर हम बता चुके हैं नीचे से ऊपर जाता है, तो भाई ऐसी लाइन का कोण थीटा 90 से कम आता है। तो टेन थीटा जिसको आप बोलते हो स्लोप डी वाई बटा डी एक्स कैसा आएगा सर? ये आएगा धनात्मक। कैसा आएगा? धनात्मक। और उसी सिस्टम में अगर आपकी सरल रेखा ऊपर से नीचे आ रहा हो, तो भैया इस लाइन का क्षैतिज से बनने वाला कोण सर कितना? थीटा 90 से ज्यादा है। तो भाई मेरे पास इस केस के लिए आने वाला टेन थीटा बोले तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव आएगा, ठीक सर। ये बातें थोड़ी याद रखनी, अगर ये बात पकड़ लोगे ना, यकीन मानना आपको हर एक ग्राफ बहुत तमीज से, बहुत प्यार से समझा जाएगा, कहीं से लेकर कहीं तक कोई 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 दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आराम से होगा, ठीक है। तो भाई शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सटी ग्राफ के साथ, ठीक सर। एक्सटी ग्राफ, अब बात थोड़ा ध्यान से पकड़ना कि सर अगर ग्राफ वाई एक्स होता, अगर मेरे पास वाई एक्स ग्राफ होता, तो भैया वाई एक्स ग्राफ का स्लोप क्या बनता? ढाल क्या बनता सर? वाई एक्स ग्राफ का जो स्लोप जिसको आप बोलते हैं ढाल, ढाल या बोले स्लोप सर, ये किसे दिखाते हैं सर? ढाल दिखाते हैं हम अवकलन से, तो वाई का अवकलन एक्स के सापेक्ष, ओके। और मेरे पास जो होता है क्षेत्रफल, मेरे पास जो आता है क्षेत्रफल बोले तो एरिया सर, ये हम दिखाते हैं इंटीग्रेशन के साथ, बोले तो समाकलन के साथ, ठीक सर। वही बात करता हूं, अब मेरे पास ग्राफ किसका? एक्स टी का सर। मुझे नहीं पता सर क्या मिलने वाला क्या नहीं, मुझे सिर्फ दो बातें पता है, या तो स्लोप होगा या एरिया होगा, या तो ढाल होगा या क्षेत्रफल होगा सर, ठीक है। उसके हिसाब से बात करो, देखो एक्स टी ग्राफ का, एक्स टी ग्राफ का ढाल क्या बनना चाहिए सर? अवकलन, अवकलन बनना चाहिए, अवकलन सर। जब y और x का बना डी वाई बटा डी एक्स, देख ले जब y x का क्या बना? डी वाई बटा डी एक्स। तो सेम तरीके से x t का क्या बनेगा सर? डी एक्स बाई डी टी, एकदम परफेक्ट। तो भैया डी एक्स बटा डी टी, ओके सर। इसको हम क्या बोलते हैं सर? v, वेग बोलते हैं। तो भैया एक बात दिमाग में क्लियर सेट है, क्या? एक्स टी ग्राफ का जो ढाल होता है वो होता है वेग के बराबर सर, ठीक है। एक्स टी ग्राफ का ढाल जो होता है वो वेग के समान होता है सर, ठीक है, चलेगा। ये बात अच्छी लगी, ये बात हमें अच्छी लगी सर। ग्राफ में सर दूसरी बात क्या हो सकता है सर? वो हो सकता है एरिया। मेरे पास दूसरी चीज उसमें बन सकता है, वो है इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बोले तो एरिया सर। वो आता है इंटीग्रेशन से, एकदम सही बात। तो इंटीग्रेशन किसका? एक्स का टी के सापेक्ष। लेकिन किंतु परंतु सर, हमने तो ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, नहीं पढ़ा तो अपने किसी काम का नहीं है। मतलब कि सर एक्स टी ग्राफ का स्लोप ढाल देगा आपको वेग, समझ लो। एक्स टी ग्राफ का जो ढाल होगा वो आपको वेग देगा, और जिसका क्षेत्रफल है वो आपको कुछ भी नहीं देगा,
आपको कुछ नहीं देगा, इससे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। सर ठीक है, बात हम पकड़ लिए हैं, बात हम पकड़ लिए हैं। अगर बात पकड़ लिए, अब देखो सर कैसे कैसे यहाँ पे ग्राफ बन सकते हैं, कैसे कैसे ग्राफ मेरे पास यहां से बन सकते हैं। अगर तुम ये बात ध्यान रखोगे सर, पहली वाली सर, XT ग्राफ का ढाल, XT ग्राफ का ढाल क्या देगा? वेग देगा, वेग देगा, वेग देगा। सर दिमाग में सेट कर लो, देखो XT का ग्राफ, XT का ग्राफ, ओके सर, XT ग्राफ का ढाल देगा वेग, इसका एरिया कुछ नहीं होता। XT ग्राफ का ढाल होता है वेग, इसका एरिया कुछ नहीं होता है। XT ग्राफ का ढाल होता है वेग, एरिया कुछ नहीं होता है। सर ठीक है, बात करते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। ओके सर, सबसे पहला एग्जाम्पल जरा देखना सर, ग्राफ कैसा है? सर स्ट्रेट लाइन है। सर ठीक है, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन, ओके सबने पढ़ा है क्या स्ट्रेट लाइन है? तो भाई इसका टेन थीटा, जिसको आप बोलते हो स्लोप, हमारे पास क्या आएगा सर? कांस्टेंट। ठीक सर, अब XT ग्राफ का स्लोप क्या बोलते हैं सर? डीएक्स बाय डीटी। जी हाँ सर, ये मेरे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अच्छा सर देखना लाइन कैसी है? सर लाइन तो क्षैतिज है, और क्षैतिज लाइन के लिए हम थीटा कितना बोलते हैं सर? जीरो बोलते हैं। अब अगर थीटा मेरे दोस्त जीरो है, तो टेन थीटा भी क्या आएगा? जीरो आएगा, जिसको आप क्या बोलते हो सर? डीएक्स बटा डीटी, जो अपने लिए क्या बनता है सर? वेग बनता है। कितना आएगा सर? जीरो आएगा। अच्छा मतलब इस पहले डायग्राम के हिसाब से मेरे पास इसका ढाल जीरो है, तो उसका वेग भी कितना आएगा? जीरो आएगा। अच्छा हमने ये तो बोला XT ग्राफ का ढाल क्या बनेगा? वेग बनेगा। अब अगर ढाल मेरे पास जीरो आया है, तो भाई वेग भी कितना आएगा? जीरो। सर मतलब वस्तु चल ही नहीं रहा है, मतलब वस्तु चल ही नहीं रहा है, उसका वेग कितना है? जीरो है। सर डन, गॉट इट, पकड़ लिया, डन 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 डन। सर मस्त चीज है, मस्त चीज है। अगला देख, अगला देख, ओहो अगला देखो सर, क्वेश्चन नंबर दो की बात करते हैं, डायग्राम नंबर दो। सर फिर से क्या है? सर सरल रेखा है, ओके स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो भैया स्ट्रेट लाइन, तो भैया स्ट्रेट लाइन के लिए टेन थीटा क्या होगा सर? कांस्टेंट होगा। अब बात समझो सर, टेन थीटा क्या है सर? टेन थीटा यहां बनता है डीएक्स बाय डीटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेग बोलते हैं। और सर वेग कैसा आया सर? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। अब बात समझो, बात समझो कि सर अगर वेग नियत होता है, अगर मेरे पास वेग नियत आता है मेरे लाल, तो क्या उसमें त्वरण आएगा? नहीं सर। अगर उसका वेग नियत है, तो उसका त्वरण नियत आएगा। सर अगर वेग नियत है, तो त्वरण कितना आएगा भैया? जीरो आएगा। ओके, क्योंकि सर त्वरण, त्वरण क्या होता है सर? त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। अब अगर वेग बदला ही नहीं, तो भाई त्वरण किस बात का सर? त्वरण तो जीरो आएगा। एकदम सही बात। अच्छा सर बात करें अब वेग के बारे में, वेग की पूरी पोस्टमार्टम करते हैं सर। सबसे पहले सर क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन? हाँ सर, अगर स्ट्रेट लाइन है तो भैया हमने पढ़ रखा है स्लोप क्या आएगा? कांस्टेंट। अगर स्लोप मेरे पास कांस्टेंट, तो भाई स्लोप क्या बनेगा सर? वेग बनेगा। ओके, तो XT ग्राफ के लिए, XT ग्राफ के लिए इसका जो स्लोप होता है वो बनता है वेग, और वो आया है मेरे पास कांस्टेंट। सर ठीक है, तो देखना क्या इसका कोण क्षैतिज के साथ थीटा सर 90 डिग्री से कम है? जी हाँ, अगर थीटा मेरे पास 90 डिग्री से कम है, तो भाई स्लोप कैसा है? धनात्मक। हाँ सर, तो वेग भी कैसा है? धनात्मक। जैसा स्लोप वैसा वेग। सर एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो भैया मेरे पास क्या है? सबसे पहले भैया वेलोसिटी कांस्टेंट है और धनात्मक है। अब क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भाई त्वरण कितना आएगा? जीरो। त्वरण कितना आएगा सर? जीरो आएगा। एकदम बढ़िया, आराम से बात पकड़ में आ रही है, आराम से बात पकड़ में आ रही है सर। सीधा सीधा सिंपल सा खेल। तो देखो क्या बोलते हैं, अब देखो फिर से मेरे पास क्या सर? ग्राफ मेरे पास फिर से स्ट्रेट लाइन। अब चीजें पकड़ना शुरू करो, अब चीजें पकड़ना शुरू करो कि सर ठीक है स्ट्रेट लाइन, ओके सर मेरे पास जब जब ग्राफ सरल रेखा होगा, सर मेरे पास जब जब ग्राफ सरल रेखा होगा, सर ढाल, ढाल क्या होगा सर? नियत होगा। ठीक सर, ये तो हमने ग्राफ देख के समझा। सर ग्राफ है किसका? XT का। अच्छा XT का ढाल बोले तो dx बटा dt सर क्या बनेगा? वेग बनेगा। अच्छा वो तो सर नियत है, ढाल तो नियत है, तो ये मेरे पास कितना आया? मेरे पास वेग कितना? नियत। सर ठीक है, वेग आ गया नियत। अब चेक करना है कि धनात्मक है कि ऋणात्मक है। अब जरा समझो सर, अगर वेग नियत होता है, तो भैया पक्का है कि त्वरण तो जीरो आएगा, त्वरण तो जीरो आएगा। सर ठीक है। अच्छा सर उसके अलावा देखो, क्या इसका कोण
क्षैतिज के साथ जो बन रहा है सर थीटा, सर 90 से कम है, जी हाँ सर 90 से कम होगा तो थीटा 90 से कम होने पर टेन थीटा का मान कैसा आएगा भैया, धनात्मक आएगा, कैसा आएगा धनात्मक। अब टेन थीटा धनात्मक सर मतलब वेग भी क्या है धनात्मक, ओके सर। तो सर पिछले केस में उसमें डिफरेंस क्या है देख लो, इसमें और इसमें सर फर्क क्या है, फर्क देख दिखाता हूं। देख पिछले ग्राफ मेरे पास पता क्या था सर, आपका जो ग्राफ था वो पीछे बढ़ाने पर देखो कहां से सर ये गुजरा था, कहां से मूल बिंदु से, ये गुजर रहा था मूल बिंदु से सर, मूल बिंदु से गुजर रहा था सर, ठीक है। मतलब कि सर ये शुरू हुआ है मूल बिंदु x बराबर 0 कोऑर्डिनेट के साथ, है ना, इसकी सर शुरुआत हुई कहां से, कण ने चलना शुरू किया है x बराबर 0 से। अच्छा सर इसमें क्या है देखो सर, इसको पीछे पढ़ाएंगे हाँ सर, कहीं मिलेगा हाँ सर, तो वह कुछ धनात्मक बिंदु है, कुछ धनात्मक बिंदु। तो भैया आपका कण इस बिंदु से मान लो सर कितना है x1 मान लो, तो x1 से चलना शुरू करेगा। अच्छा तो भाई देखना क्या सेम टू सेम कहानी जो ग्राफ मेरे पास यहाँ पर है वो सेम ग्राफ यहाँ नहीं है क्या, हाँ सर सेम तो है, अगर सेम है तो सेम टू सेम बातें आएंगी, जी हाँ सर। ग्राफ कैसा होगा सर, स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप टेन थीटा क्या होगा सर, कांस्टेंट होगा सर। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बनता है सर, डीएक्स बटा डीटी, जिसको हम क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं, वेग कैसा आएगा सर कांस्टेंट आएगा सर। इसका भी कोण क्षैतिज के साथ सर कितना 90 डिग्री से कम है, तो भाई मेरे पास वेग नियत है तो त्वरण कितना जीरो आएगा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री से कम है तो भाई टेन थीटा मेरे पास कैसा होगा धनात्मक होगा, तो वेग भी कैसा आएगा धनात्मक होगा। सर फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब अब आप इस ग्राफ को पीछे बढ़ाओगे, पीछे बढ़ाओगे तो सर इसकी शुरुआत, इसकी शुरुआत किसी नेगेटिव कोऑर्डिनेट मान लो माइनस का एक्स टू, यहां से उसने चलना शुरू किया था, उनका प्रारंभिक बिंदु अलग है। देखो फर्स्ट केस में सर प्रारंभिक बिंदु सर क्या है मूल बिंदु, सेकंड में क्या है सर कोई धनात्मक कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या है सर कोई ऋणात्मक कोऑर्डिनेट, लेकिन सर तीनों में सर बातें एक जैसी हैं, तीनों में सर बातें क्या है एक जैसी हैं सर, ठीक है बात समझ रहा हूं। अगला भी समझेगा, बहुत प्यारी चीज है सर। देखो ये रहा सर ग्राफ कैसा है सर, ग्राफ तो फिर से स्ट्रेट लाइन है सर, ठीक है। अगर मेरे पास मेरे लाल ग्राफ है सरल रेखा, अगर ग्राफ है सरल रेखा सर फिर से क्या होगा सर, फिर से होगा ढाल का मान नियत, ठीक सर ढाल क्या होगा सर नियत होगा। देखो सर स्ट्रेट लाइन है क्या, हाँ सर स्ट्रेट लाइन तो है, पर सर अगर ढाल मेरे पास नियत है तो भाई एक्स टी ग्राफ का ढाल जिसको बोलते हो डीएक्स बटा डीटी, जिसको हम क्या बोलते हैं वेग बोलते हैं सर, क्या बनेगा सर नियत बनेगा, क्या बनेगा नियत बनेगा सर, ठीक है। अब अगर वेग नियत है तो मेरे दोस्त फिर से मेरे पास त्वरण कितना आएगा सर जीरो आएगा, ओके। सर देखते हैं सर इसके द्वारा बनने वाला कोण सर कैसा है, सर ये जो थीटा है 90 डिग्री से ज्यादा है, और मुझे पता है कि जब जब थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता है मेरे पास टेन थीटा का मान सर कैसा होता है नेगेटिव आता है, मतलब आने वाला वेग कैसा है सर नेगेटिव। अब याद रखना यहां पे नेगेटिव का सिर्फ और सिंपल इतना सा मतलब है, सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपका जो कण है वो ऋणात्मक दिशा में जा रहा है, वो कहां जा रहा है वो जा रहा है ऋणात्मक दिशा में, कहां जा रहा है ऋणात्मक दिशा में। तो समझना ये बात दिमाग में सेट रखना कि सर यहां नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाता है दिशा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाएगा दिशा के बारे में बताएगा सर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कहेगा दिशा, तो मतलब कि क्या है भाई कहानी है कुछ ऐसी, आपका कण यहां है किसी बिंदु x1 पर, ओके कण यहां पर है x1 पर और ये जा रहा है सर ऋणात्मक दिशा में किसी वेग v के साथ। तो याद रखना ढाल का जो परिमाण होगा ना वो आपको चाल देगा, यहां पर ढाल का जो परिमाण होगा वही आपको चाल बोले तो v देगा सर। बात समझ रहा हूं, बात एकदम समझ रहा हूं, बहुत शानदार चीज बताई है सर, ठीक है। अगले की बात करें सर, अगला तो जबरदस्त है, अगला तो एकदम ही जबरदस्त है सर, कैसे 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 देखना समझना सर। ग्राफ दिखता है हाँ सर, थोड़ा थोड़ा सर थोड़ा बड़ा कर दो उसको, तो देखो बड़ा करते हैं सर ग्राफ। अब सर सरल रेखा नहीं है, अब अगर ग्राफ आपका सरल रेखा नहीं है तो भैया ढाल तो नियत नहीं होगा, सिंपल सी बात, जी हाँ सर। तो ये बात लिख दो पहले यहां पर, मैं लिखता हूं कि सर ग्राफ सरल रेखा तो नहीं है, अगर नहीं है तो ढाल भी मेरे पास नियत नहीं होगा, अगर ढाल नियत नहीं है तो वेग भी नियत नहीं होगा सर, ठीक है। अब अगर वेग नियत नहीं है तो भाई एक्सलरेशन भी जीरो नहीं आएगा सर, बात तो ठीक है, बात तो एकदम ठीक बोली है सर, पकड़ ली बात। अब बात समझ के सर,
अब अगर नियत नहीं है तो वेग का हो क्या रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, उसकी बात तो करो। देखो भाई ये रहा ग्राफ, देखो थोड़ा फोकस करना। सर मैं क्या करता हूँ, सर मैं कोई दो पॉइंट पकड़ता हूँ जो मेरा मन करे। सर मैंने एक पॉइंट पकड़ा यहाँ पर और एक पॉइंट पकड़ा यहाँ पर, दोनों पे से क्या खींचता हूँ, स्पर्श रेखा, टेंजेंट। सर एक लाइन खींचा इस पर और एक लाइन खींचा सर इस पर, दिख रहा है क्या? हाँ सर। अब दोनों बिंदुओं पर सर देखता हूँ कोण क्षैतिज के साथ। सर ठीक है देखते हैं। तो देखो भैया मेरे पास क्षैतिज साथ बनने वाला कोण, देखो देखो ये 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 एक कोण भैया कितना, थीटा वन, कितना भैया थीटा वन, और इसका भी कोण क्षैतिज के साथ थीटा टू। खुद से देख के बताओ कि सर इनमें से कौन सा कोण बड़ा है, सर थीटा वन या थीटा टू? सर मेरे हिसाब से साफ साफ दिख रहा है कि थीटा टू बड़ा दिख रहा है। हाँ सर कोण तो थीटा टू बड़ा दिख रहा है। अच्छा सर क्या दोनों कोण 90 डिग्री से कम नहीं है? हाँ सर दोनों के दोनों कोण से 90 से कम है। सर ठीक है अब देखो इस चीज का सर इस्तेमाल कैसे कर, देखो सर क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री से कम है। जी हाँ सर 90 से कम होगा तो टेन थीटा का मान कैसा आएगा, धनात्मक। और टेन थीटा क्या होता है, ढाल होता है। तो अगर टेन थीटा धनात्मक है तो वेग भी क्या आएगा सर, धनात्मक। सर ठीक है वेग धनात्मक मतलब कण जा रहा है धनात्मक दिशा में आगे की ओर। सर ठीक है उसके बाद कैसा समय के साथ आपका ढाल कैसा हो रहा है, कैसा बदल रहा है, क्योंकि नियत तो नहीं है ना, नियत तो नहीं है। सरल रेखा होता तो नियत होता, सरल लगातार बदल रहा है। सर ठीक है बात पे फोकस करना। सर पहले थीटा वन था फिर थीटा टू हुआ, थीटा टू का मान ज्यादा है। सर मतलब कि देखो थीटा टू अगर ज्यादा है थीटा वन से मतलब थीटा का मान बड़ा है, और जब थीटा का मान बढ़ता है तो टेन थीटा का मान बढ़ेगा। जब टेन थीटा बढ़ेगा तो यहां पे जो ढाल है टेन थीटा वो क्या है, वेग है, तो सर वेग लगातार बढ़ेगा। अच्छा तो भैया बात जो पकड़ में आई है अभी तक सर क्या, एक तो वेग धनात्मक है, दूसरा लगातार बढ़ रहा है। अब सर वेग कब बढ़ता है, सर वेग तब बढ़ता है जब वेग के समान दिशा में त्वरण होता है, जब वेग के समान दिशा में त्वरण आता है। सर मतलब मेरे पास ए भी का आएगा वी के साथ में, मतलब सर वो भी कैसा हो गया, धनात्मक। सर बात पकड़ में आई। सर बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है एक बार में दिमाग में फिट नहीं होता है। दोबारा बोलता हूँ सर क्योंकि ग्राफ सरल रेखा नहीं है, नहीं सर तो ढाल तो नियत नहीं होगा। ढाल क्या बनता है xt का, सर वेग बनता है, तो वेग भी नियत नहीं होगा। अब अगर वेग नियत नहीं है, वेग में परिवर्तन आ रहा है, तो भाई त्वरण तो पक्का आएगा ही आएगा, वो जीरो नहीं बनेगा, त्वरण तो पक्का आएगा ही आएगा। ठीक सर, सर हमने देखा ढाल, सर ढाल दोनों कैसे, सर 90 डिग्री से कम है। जब जब ढाल 90 डिग्री से कम होता है ढाल आता है धनात्मक, और ढाल यहाँ पे क्या है, वेग है, तो वेग क्या होगा, धनात्मक। सर ठीक है धनात्मक का मतलब क्या है कि कण जा रहा है प्लस एक्स दिशा में। सर ठीक है कण कहाँ जा रहा है, प्लस एक्स दिशा में जा रहा है। सर एकदम आसान, एकदम बढ़िया, चलेगा सर कण जा रहा है प्लस एक्स में, चलेगा चलेगा सर दौड़ेगा। अब समझ सर मेरे पास थीटा का मान लगातार बढ़ा, देखो आगे आने पर थीटा का मान बढ़ा है क्या, हाँ सर थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप, टेन थीटा बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ेगा, ढाल बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। वेग कब बढ़ता है, सर वेग तब बढ़ता है जब वी और ए समान दिशा में होते हैं, जब v और a समान दिशा में होते हैं। सर बात तो पकड़ में आई है, बात तो पकड़ में आई है, पर सर फीलिंग थोड़ी कम आ रही है। देख ये फीलिंग तब आपको अच्छी तरह से बैठेगी जब इस पर सवाल करोगे और ध्यान से खुद से एक बड़े सारे ग्राफ देखने वाले हो। ठीक सर यहाँ देखो अगला, देख लो सर सेम टाइप का ग्राफ है, ये देख मेरे लाल। सर क्या ग्राफ सरल रेखा है, ना सर ग्राफ तो सरल रेखा नहीं। अगर सरल रेखा नहीं है तो भाई इसका जो ढाल है सर वो पक्का मेरे पास कांस्टेंट नहीं होगा। ढाल xt ग्राफ का ढाल क्या बोलते हैं सर, dx बटा dt, जिसको क्या बोला जाता है, सर वेग इस बार नियत नहीं है, वेग कांस्टेंट नहीं है। सर वेग कांस्टेंट नहीं होता है तो पक्का त्वरण आया होगा, त्वरण आया है मतलब सर उसका मान जीरो नहीं है, त्वरण का मान जीरो नहीं है। सर ठीक है बात करते हैं। अब सर बात कर भैया वेग के साथ हो क्या रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, धनात्मक ऋणात्मक क्या है, उसकी बात करें। तो देखो भाई इस ग्राफ की बात करता हूँ। सर फिर से हम पकड़ेंगे सर कोई भी दो पॉइंट, सर पकड़ो। ठीक सर मैंने पकड़ा एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर। ठीक सर दोनों पे सर खींच जाए स्पर्श रेखा, देखो देखो भैया एक स्पर्श रेखा ये रहा और एक स्पर्श रेखा सर ये रहा। सर ठीक है दोनों बिंदुओं पर सर देखने वाले हैं कोण, तो देखो इसका कोण क्षैतिज के साथ कितना भैया, ये है थीटा वन, इसका कोण क्षैतिज के साथ सर कितना है,
थीटा टू। सर मेरे हिसाब से अगर आंख के अंधे नहीं हूं तो साफ साफ दिख रहा होगा कि सर कौन सा कोण बड़ा है कौन सा कोण छोटा है। सर दिख रहा है मेरे हिसाब से, सर थीटा टू छोटा है। अच्छा छोटा है, बात पकड़ लिया। तो देख इस बात को लिख भी लेते हैं। देखो 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 सर मेरे पास सबसे पहले दोनों थीटा 90 डिग्री से कम। जी हाँ, जब जब थीटा 90 से कम होता है मेरे पास ढाल जिसको बोलते हो टेन थीटा, सर कैसा आएगा धनात्मक। टेन थीटा धनात्मक सर मतलब ढाल जो उसमें बन रहा है वेग, वेग भी क्या बनेगा सर नियत बनेगा। सॉरी गलत बोल गया, अगर मेरे पास ढाल धनात्मक तो वेग भी कैसा धनात्मक। सर ठीक है, वेग धनात्मक सर मतलब कण जा रहा है आगे की ओर। सर ठीक है, धनात्मक मतलब कण जा रहा है आगे की ओर। सर ठीक है, फिर हमने यहां से समझा कि थीटा वन का मान बड़ा है थीटा टू से, मतलब थीटा का मान कम हुआ है। थीटा कम होगा तो टेन थीटा भी कम होगा, टेन थीटा कम होगा तो वेग कम होगा। वेग कम कब होता है सर? वेग कम तब होता है जब वी और ए एक दूसरे के विपरीत होते। तो भैया वी कहां है सर? आगे की ओर धनात्मक। तो भैया ए कहां होना पड़ेगा सर? विपरीत। तो ए मेरे पास कहां है भैया? नेगेटिव साइड पर है। ये बनेगा आंसर, दोनों एक दूसरे के विपरीत। सर तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। हाँ मेरे भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा, देख चीजें समझानी पड़ेंगी, थोड़ा सा टाइम इन पे देना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना तो चीजें करना बड़ा ही मुश्किल है मेरे दोस्त, बहुत मुश्किल होने वाला। सर ठीक है, सर अगला एग्जाम्पल यहां देखो तुम्हारी आंखों के सामने, ये दिखाता हूं। ठीक सर, फोकस करेंगे आराम से, हर एक चीज करवाऊंगा, तुम खुद से देखोगे। अब वन बाय वन सब कुछ देखते हैं, ग्राफ कैसा है, ग्राफ कैसा, खुद से सवाल करो, खुद से सवाल करो, खुद से सवाल करेंगे। सर ग्राफ कैसा है? सर सरल रेखा तो नहीं है? अच्छा सरल रेखा नहीं है, ठीक सर सरल रेखा नहीं है। तो सरल रेखा नहीं है तो क्या होगा? सर सरल रेखा से हम देखते हैं ढाल को, ठीक है। अगर सरल रेखा नहीं है तो भैया ढाल भी नियत नहीं होगा, तो ढाल मेरे पास कॉन्स्टेंट नहीं होगा। अच्छा ढाल क्या होता है सर? अवकलन। जी हाँ सर, एक्स टी के ग्राफ का अवकलन क्या बनेगा? डी एक्स बटा डी टी। क्या हम इसको वेग बोलते हैं? जी हाँ। तो अगर ढाल नियत नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं आएगी। सर ठीक है, कांस्टेंट नहीं है, ओके। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो भाई एक्सेलरेशन तो पिक्चर में आएगा, तो उसका मान जीरो नहीं हो सकता। सर ठीक है, चलेगा, यहां तक बात क्लियर है। अच्छा अब सर बात करते हैं कि सर वेग कैसा है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उसकी बात कर। सर ठीक है, हम पकड़ते हैं सर वन बाय वन दो पॉइंट। देखो भैया इसी ग्राफ में बात करते हैं, देखो 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 सर मैंने पकड़ा एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट पकड़ रहा हूं सर यहां पर, दोनों पर सर खींचते हैं ढाल। देखो 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 एक ढाल यहां खींचा, ओहो थोड़ा सा तिरछा करते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखो एक ढाल हुआ पकड़ा और एक ढाल मैंने यहां खींचा। देखो क्या सर दोनों का कोण देखते हैं, इसका कोण सही रहा थीटा वन, ओहो क्या बनेगा थीटा वन, और इसका कोण क्षैतिज के साथ सर कितना थीटा टू। हाँ जी सर, अब अगर साफ साफ देख पा रहे हो मेरे दोस्त तो ये दिख रहा होगा कि सर थीटा टू बड़ा है, थीटा टू बड़ा है। हाँ सर दिख तो रहा है। अब अगर इन बातों को मैं यहां लिखना शुरू करूं, देखो सबसे पहले सर क्या है थीटा, सर का थीटा का मान कैसा है सर? 90 डिग्री से ज्यादा है, और थीटा 90 से ज्यादा होना मतलब टेन थीटा का ऋणात्मक होना। टेन थीटा ऋणात्मक है सर मतलब इसका जो ढाल है वो ऋणात्मक है, ढाल बोले तो वेग है, वेग कैसा ऋणात्मक सर मतलब कण कहां जा रहा है सर? ये जा रहा है ऋणात्मक दिशा में। याद रखना यहाँ पे नेगेटिव का मतलब घटना नहीं होता है, नेगेटिव मतलब दिशा होती है, ठीक सर। यहाँ पे कण कहां है मेरे पास? नेगेटिव दिशा में सर जा रहा है वेग वी के साथ। अच्छा अब बात करें सर भाई इसका वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है, वेग बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहां थोड़ा फोकस करना। बच्चे यहां मात खा जाते हैं, बच्चे इसी चीज में मात खाते हैं और इसी को मैं बहुत ध्यान समझा रहा हूं। देखो अगर देखे सर डायग्राम के हिसाब से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सर, इधर टाइम के साथ आगे बढ़ेंगे सर, पहले थीटा वन छोटा था अब थीटा बड़ा हो गया, सब बात तो करेक्ट है। तो मैं कह रहा हूं सवाल के हिसाब से क्या थीटा टू का मान ज्यादा है थीटा वन से? चलेगा? हाँ सर। तो इसके हिसाब से पता क्या होता है, टेन थीटा टू भी मेरे पास क्या होता है ज्यादा आता है टेन थीटा वन से। अच्छा और याद रखना सर थीटा 90 से ज्यादा है, नेगेटिव वैल्यू आती है सर, बात तो करेक्ट है, बात तो करेक्ट है। लेकिन जब मैं इनके बात करूंगा सर किसके परिमाण की, देखो 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 ओहो मैं बात कर रहा हूं किसका, इनके परिमाण की। थोड़ा सा स्पेस छोड़ते ताकि आपको मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ, दिखाता हूँ। अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ परिमाण की तो मतलब टेन थीटा टू का जो परिमाण होगा सर वो होगा छोटा। देख लो सर ऐसे तो मेरे पास टेन थीटा टू बड़ा आया है लेकिन परिमाण के हिसाब से देखो सर क्या आएगा, छोटा आएगा। सर इसका क्या मतलब है? नहीं समझा सर, कोई आइडिया नहीं है, बिल्कुल नहीं समझा। देख दोबारा देख
सर फॉर सिंपल एग्जाम्पल थीटा टू बड़ा है, हाँ सर थीटा टू बड़ा, तो एक काम करो इसको कितना 150 डिग्री, ओहो एक बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, थीटा टू बड़ा तो मैंने इसको कितना 150 मान लिया, इसको कितना 120 मान लिया, ठीक सर सॉल्व करता हूँ सर 10 150। मेरे हिसाब से सर हमें ये चीज़ें सॉल्व करनी आती है, बेसिक मैथ में सीखा हुआ है। तो भैया 150 तो क्या लिखोगे, 180 माइनस 30, 180 होता है नॉन चेंजिंग लाइन, ओके, पर सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है नेगेटिव, तो कितना बनेगा ये बनेगा माइनस का 10 30, ये बनेगा माइनस का 10 कितना 60 ये आएगा, ठीक सर ये होगा माइनस का 1/√3, ये माइनस का √3 से ये वैल्यू बड़ी साफ साफ दिख रहा है, हाँ सर एकदम आराम से ये चीज देख पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं, चलेगा सर दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। अब मैं बात करूं सिर्फ इनके परिमाण की, इनकी वैल्यू की बात करूं, सर माइनस हटा दो, अब बात करूं सिर्फ वैल्यू की, सर ये रहा 1/√3, ये रहा √3, अब तुम बताओ कौन बड़ा है, सर अब तो √3 बड़ा है, अब तो √3 बड़ा है, हाँ सर बात तो आप सही बोल रहे हो, बात तो आप सही बोल रहे हो, मैंने कहा था कि यहाँ पे माइनस साइन दिखाता है सिर्फ और सिर्फ दिशा, माइनस साइन दिखाता है सिर्फ और सिर्फ दिशा, तो भैया परिमाण की बात कर रहा हूं, परिमाण मेरे पास क्या है सर, परिमाण मेरे पास कम हो रहा है, देख ले टेन थीटा टू छोटा है और टेन थीटा वन बड़ा है, हाँ सर परिमाण के हिसाब से, परिमाण के हिसाब से टेन थीटा टू छोटा है, मतलब परिमाण कम हुआ है, परिमाण कम हो रहा है सर मतलब वेग का वैल्यू कम होगा, अच्छा तो भाई मेरे पास परिमाण कम हुआ है तो वेग मेरे पास कम होगा। अब सर वेग कम कब होता है, सर वेग कम तब होता है जब वेग और त्वरण एक दूसरे के विपरीत होते हैं, देखो मेरे लाल ये रहा विपरीत कर दिया तो ए आएगा वी के विपरीत मतलब कि धनात्मक, हाँ ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है, थोड़ा सोचना समझना पड़ेगा तब जाके आप इनकी बातों को पकड़ पाओगे, सब बात तो ठीक है। लास्ट एग्जाम्पल यहां पर है, ठीक है फिलहाल मैं इसको यहीं पर एंड करने वाला हूं, क्यों, क्योंकि ग्राफ एक ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज है, अगर मैं आपको एक साथ पढ़ा दूंगा ना तो आपके दिमाग का कचरा हो जाएगा, ठीक है तो बस एक बार आपको समझा रहा हूं कि भाई हाँ पढ़ना कैसे होता है, फिर इसी के वीटी ग्राफ भी बताऊंगा और एटी ग्राफ भी बताऊंगा, फिर इस पर क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट टाइम पर, बट फिलहाल आप ये चीज समझो, ठीक है ग्राफ समझो कि भाई हम ढाल क्या देखते हैं, ढाल क्या दिखाता है, फिर ढाल का बढ़ना कम होना उसका धनात्मक उसका ऋणात्मक बात समझना, ठीक है यहाँ देखो सर एको ग्राफ है, फिर से देखो सर ग्राफ क्या सरल रेखा है क्या, नहीं सर ग्राफ सरल रेखा तो नहीं है, अगर सरल रेखा नहीं है तो भाई ढाल भी नियत नहीं होगा, अगर सर ढाल नियत नहीं है तो एक्सटी ग्राफ का ढाल क्या बनता है अवकलन डीएक्स बटा डीटी जिसको आप बोलते हो वेग सर, वो भी मेरे पास कांस्टेंट नहीं होगा, अगर वेग कांस्टेंट नहीं होता है तो सिस्टम में एक्सलरेशन भी आता है मतलब इसका मान जीरो नहीं होगा। अच्छा सर बात करें अब स्लोप की, सर कैसा कैसा है कम हो रहा है कि बढ़ रहा है उसकी बात करो, देखो इस ग्राफ के हिसाब से सर एक पॉइंट पकड़ा मैंने यहां पर और एक पॉइंट सर मैंने पकड़ा यहां पर, सर तो हम क्या करते हैं ढाल के हिसाब से एक ढाल ये रहा दूसरा ढाल ये रहा, ठीक सर फोकस करेंगे मेरे लाल फोकस करना मेरे दोस्त, देखो 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 सर ये रहा क्या थीटा का मान, ओहो उसको बोलूंगा थीटा वन, और यहाँ पे देखो सर ये कितना है, सर ये है मेरे पास थीटा टू, ओके थीटा टू, अब देखो आंखों के अंधों जरा देखो साफ साफ दिख रहा होगा सर, दिख तो रहा है साफ साफ देख तो रहा है साफ साफ देख तो देख के बता मुझे क्या सर दोनों कोण थीटा सर 90 से ज्यादा है, जी हाँ थीटा 90 से ज्यादा मतलब टेन थीटा कैसा होना ऋणात्मक होना, टेन थीटा नेगेटिव से मतलब वेलोसिटी क्या होगा नेगेटिव, तो पार्टिकल तो जा रहा है माइनस एक्स की ओर, पार्टिकल जा रहा है माइनस एक्स की ओर सर, ठीक है बात कर सर कोण की बात करता हूँ, कोण की बात करता हूँ देखना सर दिखता है साफ साफ कि थीटा वन बड़ा है और थीटा टू छोटा है, ओके ओके देखना सर यहां बात करता हूं इस चीज के बारे में, देखो कि सर थीटा वन बड़ा है थीटा टू से तो मेरे पास जो टेन थीटा वन होगा वो बड़ा होगा टेन थीटा टू से, जी हाँ सर अगर मैं बात करूं इनके परिमाण की, सिर्फ परिमाण की, सिर्फ इनकी वैल्यू की बात की जाए तो भैया टेन थीटा वन का परिमाण छोटा होगा टेन थीटा टू से, तो सर अगर देखो सब परिमाण मेरे पास टेन थीटा टू का ज्यादा है, बाद वाले का ज्यादा है, सब परिमाण मतलब बड़ा है, परिमाण अगर बढ़ रहा है सर मतलब वेग बढ़ रहा है ना, परिमाण मतलब मेरे पास चाल बढ़ रही है सर, चाल कब बढ़ेगी, चाल तब बढ़ता है जब मेरे पास वी और ए समान दिशा में होते हैं, अच्छा जी तो ये आएगा समान दिशा में,
यहां पर यही देख रहा है। हाँ सर, तो अभी के लिए इतना काफी है, इस चीज को समझो कि सर हमने क्या पढ़ा है। ये अपने आप में बहुत प्यारी चीज है, हर किसी के पल्ले नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। यकीन मानना जो बताया ना, अगर ये चीज पढ़ना सीख गए, गारंटी मेरी है, मेरी गारंटी है, ग्राफ का अगर एक क्वेश्चन भी छोड़ के आना पड़े तो मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। पर बस कंडीशन ये है कि ये एक एक चीज जो अभी समझाई है, इस पे ध्यान से गौर करके समझना है, याद कुछ नहीं करना है, बस समझो कि सर एक्स टी का स्लोप डी एक्स बाई डी टी क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। स्लोप कांस्टेंट तो वेग कांस्टेंट, स्लोप बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, स्लोप घटेगा तो वेग घटेगा। अगर स्लोप धनात्मक है तो वेग भी धनात्मक है, अगर स्लोप ऋणात्मक है तो वेग भी ऋणात्मक है। सर समझ रहा हूँ। और एक बात और सर, वेग जब जब बढ़ता है वी और ए समान दिशा में होता है, और वेग जब जब कम होता है वी और ए एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। अगर ये बात पकड़ में आई है तो भाई ये चीजें क्लियर हो जाएंगे। तो पहले एक बार इसको देखो, समझो, रिवाइज करो, और कमेंट में जरूर बताना कि सर चीजें पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी, क्योंकि एक थोड़ा एफर्ट तो इसमें आपको मारना पड़ेगा, क्योंकि अकेले मेरे एफर्ट से आपका काम नहीं बन पाएगा। और ये गारंटी है कि अगर ये मेरे एफर्ट आपने साथ साथ देख लिए, साथ साथ मेहनत कर लिया, तो ऐसा ग्राफ पूरी फिजिक्स में कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। जितने टीचर आप पढ़ो ना, किसी ने भी आपको ग्राफ इतना डिटेल में कभी समझाया ही नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो एक सौ तमीज से देखना, अच्छे से समझना, कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट में डालना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करने की कोशिश करें। ठीक है, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।